नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पर लोहे की चारपाई है तो उसके पैरों से देखिए किस तरीके से फर्श पर दाग पड़ जाते हैं और फर्श में गड्ढे तक हो जाते हैं। दोस्तों, ये लोहे के जो पैर हैं इनके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी फ्लेक्सिबल रबर की गाइड नहीं है जिससे कि हम अपने फर्श को डैमेज होने से बचा सकें। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से लगभग फ्री में ही अपने फर्श को डैमेज होने से बचा सकते हैं और किस तरीके से आप घरेलू सामान का इस्तेमाल करते हुए ही अपने लिए इस चारपाई को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक पुराने टायर को 4 पीसेस में काट लिया है एंगल ग्राइंडर का यूज करते हुए। इन्हीं 4 पीसेस को दोस्तों हम लोग लगाने वाले हैं अपने चारपाई के फुट के नीचे। तो दोस्तों हमने ये मार्केट से स्क्रू ले लिए, इसको सेल्फ स्क्रू बोलते हैं। ये फास्टनर मिल जाते हैं आपको लगभग 1 रुपए का एक मिलता है मार्केट में। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से पैर के ऊपर फिट कर देंगे और ड्रिल की मदद से, ड्रिल बिट इसकी स्पेशल आती है, आप चाहें तो खुद लगाइए या किसी कारीगर को बुला लीजिए और इसको लगा दीजिए। देखिए हमने यहाँ पाइप में कस दिया है और दोनों साइड से हम इसको कसेंगे ताकि मजबूती से कस जाए और जब भी कभी हम चारपाई को खिसकाएं या फिर उसकी लोकेशन चेंज करें तो ये निकल कर ना भागे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से मजबूती से इसको कस दिया है, एक साइड तो मैंने कस दिया। अब देखिए दूसरी तरफ से भी इसको हम कसेंगे, दूसरी तरफ भी सेम स्क्रू लगाना है ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों सावधानी बरतिएगा इस काम को करते हुए, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी करिएगा, अगर आपको ड्रिल मशीन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके लिए आप किसी कारीगर को बुलाएं, उसको हमारी ये वीडियो दिखाएं कि इस तरीके से आपको अपनी चारपाई को मॉडिफाई कराना है तो वो इसको भी मॉडिफाई कर सकता है, आसानी से कर देगा। तो दोस्तों एक में हमने लगा दिया है, इसी तरीके से चारपाई के सभी पैरों में हम ये रबर के जो टायर था ये लगा देंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ लगा दिया है, अब इसको आप देखना अगर चाहेंगे तो काफी शानदार तरीके से लग गया है, कहीं भी कोई भी डैमेज होने का ऐसा नहीं है कि निकल कर भाग जाएगा। दोनों साइड से स्क्रू लगाया है मजबूती के साथ। अब इसको हम दोस्तों एक बार जमीन पर बिछा कर देखते हैं कि कैसा लगेगा ये। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी भरी ट्रिक जो आपको घरेलू कामों में काम आती है हम आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल ही फ्री है। हमने देखिए दोस्तों अब चारपाई को जमीन पर बिछा दिया है और अब बिल्कुल भी चारपाई में कहीं भी मूवमेंट भी नहीं है, बिल्कुल ही एक जगह पर फिक्स हो गई है और फर्श भी हमारा अब डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।